आज मैंने बैठे बैठे सोचा कि हर कोई खाना बनाने का तरीका बता रहा है, एक मैं ही पीछे रह गई हूँ। मैं भी आप लोगों को बनाना सिखा दूँ, पुलाव बनाना, क्योंकि आप लोगों को तो आता नहीं है, तो सीखे पुलाव बनाना। इस तरीके से पुलाव बनाना सिखा रही हूँ, आप लोगों ने उसी तरीके से पुलाव बनाना है और मेरा ही तरीके से आप लोगों ने बनाना है और मेरे ही तरीके से आप लोगों ने खाना। मैं सारे तरीके आप लोगों को सिखाऊंगी। ये कढ़ाई है, ये चूल्हा है, ये माचिस है। माचिस की तीली को जलाएं, आग निकलेगी, चूल्हे को लगा दीजिए, ऑन हो गया, इसके ऊपर कढ़ाई के ढक्कन उठा देते हैं इसमें, और इसमें डाल देंगे घी। आप चाहे तो सरसों का तेल डालें, चाहे तो ऑयल डालें, जो भी आपने तेल डालना है जिसमें पकाना, आप डाल पका सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि अगर आप मेरे तरीके से बना रहे हैं, क्योंकि मैं सिखा रही हूँ, आप लोग तो घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, यूट्यूब से देख लेते हैं, बना लेते हैं, खा लेते हैं, तो फिर मेरे तरीके से बनाएं। प्याज डाल दिया, इसे आपने ब्राउन करना है, इसे आपने नीला पीला काला नहीं, खुदा के लिए करना। ये जी चावल रेड बनेंगे, बहुत प्यारे। मैंने इसको ब्राउन कर लिया, पानी डाल दिया, हला दिया है, और गोश्त आप सोच रहे हैं बॉईल भी नहीं किया और एकदम गोश्त आ भी गया। ये कल का सालन था, सालन बचा हुआ, आज मैंने इसका पुलाव बना दिया, अदरक डाला और ये सारे मसाले, ये वो नमक और अदरक और ये इसमें टमाटर। 2 मिनट के लिए भून लीजिए, पानी डाल दीजिए जितने आपके राइस हैं, फिर पानी को बॉयल आने के लिए रख दीजिए। बॉयल आ गया, चावल डाल देते हैं, ढक्कन पतीली का हमेशा एक साइड पे रख दीजिएगा, ठीक है। ये चावल मैंने पहले भिगो के रखे थे, चावल डालें, बर्तन साफ कर दीजिए, आप भी कर दिया करें, ठीक है। अब मैं हला दूंगी इसको। एक मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ, मजाक सब कुछ अपनी जगह पर है, खुदा के लिए कभी किसी का दिल ना तोड़िएगा, कभी किसी को धोखा ना दीजिएगा, कभी किसी को रुलाइएगा ना। पहले ही पता नहीं कितने लोग तकलीफ में होते हैं, वादा करके वादा खिलाफी ना कीजिएगा, किसी को हंसा नहीं सकते, किसी की तकलीफ दूर नहीं कर सकते, तो किसी को धोखा देने का भी कोई राइट नहीं है। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है, अल्लाह को नाराज़ मत कीजिएगा, वैसे तो आप सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद लोग दूसरों को रुलाते हैं, धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, ठीक है। अगर किसी की खुशी का बाइस नहीं बन सकते, तो किसी की तकलीफ का बाइस ना बने कि वो अल्लाह ताला से आपका नाम लेके आपकी शिकायत कर दे और अल्लाह ताला का अजाब नाजल हो जाए। बस अल्लाह ताला से डरिएगा और कभी किसी को मेरी रिक्वेस्ट है कि धोखा ना दीजिएगा। किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के साथ बुरा भी मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, और अपने अल्लाह को नाराज़ मत कीजिएगा, किसी की तकलीफ में इजाफा मत कीजिएगा और किसी की तकलीफ का सबब मत बनिएगा, किसी को मत रुलाइएगा, और चीटिंग तो बिल्कुल किसी के साथ ना करें, ना धोखा करें, क्योंकि लोग बड़ी बड़ी कुरान और कस्में उठा लेते हैं, ठीक है, और बाद में मुकर जाते हैं, तो अल्लाह से डरिए। राइस हो गए हुए हैं, देखिए कितने अच्छे राइस हुए हैं। मैं इसमें डाल दूंगी सब्ज़ मिर्चें, लास्ट में आपने सब्ज़ मिर्चें डालनी है, पहले नहीं डालनी। जो लास्ट में सब्ज़ मिर्चें डलती है ना, इनका टेस्ट इतना मज़े का आता है कि आप लोगों की सोच है। अभी मैं इसको दम पे लगा दूंगी, तवा रखूंगी, और आप सब ने भी तवा ही रखना है, ठीक है। मैंने रखा है तो फिर मेरे ही तरीके से पकाना और करना है सब। ऊपर दौरी रख दी है, हाँ हाँ, जिसके पास नहीं वो भी ये दौरी रखेगा, बस बोल दिया ना, बोल दिया एक बार। दम हो गया है, 15 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसे हटा लेती हूँ, उठा लेती हूँ। और चावल थोड़े नरम रखिएगा, वो जो इतने अकड़ वाले मगरूर चावल होते हैं ना, वो ज़रा भी मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो आपने प्लीज़ ज़रा थोड़े नरम नरम रखने हैं। चावल इतने मज़े की खुशबू फैल गई और भूख इतनी लग चुकी हुई है ना मुझे, बस आप सब भी खाएं, इंजॉय करें, सबके लिए दुआ किया करें। किसी को हंसा नहीं सकते, खुशी नहीं दे सकते, तो किसी को तकलीफ ना दे और किसी को रुलाए ना। चावल हैं, पुलाव खाएं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हैं जी मज़ेदार किस्म का पुलाव। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सबके लिए दुआ किया करें, आपकी दुआएं कबूल होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।